हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैमरा की यूज़ कैसे करते हैं। ये वीडियो उन सभी बिगनर्स फोटोग्राफर के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है जिन्हें DSLR यूज़ करना नहीं आता। इस वीडियो में मैं लेंस चेंज, बैटरी इंसर्ट से लेकर सभी छोटी छोटी बातें बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं अपने DSLR कैमरा के ऊपर। तो अपन कैमरे की लेंस कैप कैसे खोलते हैं, तो लेंस कैप खोलने के लिए आपको इस जगह से पकड़ना रहता है और इसको यूँ घुमाना रहता है और ये ऐसे लेंस कैप खुल जाएगी। इसको भी मैं लगा के रख रहा हूँ वापस। अब अपन आते हैं कि इसमें लेंस कैसे इंसर्ट करें। लेंस की आपको ये देख रहे हैं वाइट पॉइंट रहता है और इसमें भी आपको यहाँ पे एक वाइट पॉइंट दिख रहा होगा। तो सबसे पहले अपन इस लेंस की कैप को घुमा के हटाएंगे। मैंने लेंस की कैप खोल ली, आप DSLR की कैप को हटा दें और बस अब आप देखिए कि आपको ये वाइट पॉइंट को जो ये दिख रहा है, ये वाइट पॉइंट को इस वाइट पॉइंट से मिलाते हुए ये बस यहाँ पे आपको ही उसको घुमा देना और ये जैसे ही कट की आवाज़ आएगी समझ लेना आपका लेंस इंसर्ट हो चुका है। लेंस कैप खोलना मैं भी बता देता हूँ, मैं आपको इसको बस यूँ प्रेस करना है, बीच में से पिंच करना और ये देखिए ये खुल गई लेंस कैप और ये वापस से हम ऐसे की ऐसे इसको लगा देंगे। अब अपन आते हैं अपनी बैटरी इंसर्ट के ऊपर। तो ये अपनी कैनन की बैटरी है। अब आपको मैं कि कैमरा के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, इसको दबा के खोलना है। ये देखिए खुल गया है। अब अपन को यहाँ पर आपको अंदर की तरफ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से बैटरी के पॉइंट से मिलाना है। ये देखिए ये बैटरी इंसर्ट होगी और ये बंद करते से यहाँ पे लाइट इंडिकेटर जल गया, तो मतलब आपकी बैटरी सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी है। अभी अपन में निकालने का भी सेम प्रोसेस है, इसको यूँ करना है और बस अपन को इसको साइड करना है और ये यहाँ से बैटरी बाहर आ जाएगी और ये बस। अब अपन कैमरा ऑन करने पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑफ ऑन और ये वीडियो का सिंबल है, तो यहाँ पे अपन इसको ऑन करते हैं और ये देखिए अपनी कैमरे की स्क्रीन चालू हो चुकी है। अब अपन मैं आपको मैनुअल मोड पे लेके जाता हूँ। ये मैनुअल मोड ऑन हो चुका है। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, SF ISO, एस शटर स्पीड को और एफ अपर्चर और ISO कैमरा सेंसिटिविटी को बताती है। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी शटर स्पीड को 1/100 से ऊपर ही रखें, इससे फ़ोटो में शेक आने के चांस कम हो जाते हैं। और आपको अपर्चर के बारे में बताता हूँ, ये अपना अपर्चर नंबर है। तो आपका एफ नंबर जितना कम होगा, अभी मेरा एफ नंबर 4.5 देख रहे हैं, तो जितना आपका एफ नंबर कम होगा उतना ही आपको बैकग्राउंड में ब्लर ज़्यादा मिलेगा, और आपका एफ नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका बैकग्राउंड में ब्लर कम हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं ISO के ऊपर। ISO आपका जितना ज़्यादा होगा फ़ोटो में आपकी लाइट उतनी शानदार आएगी। पर इससे एक और बात मैं आपको बता दूं कि ISO जितना ज़्यादा होगा उससे आपकी फ़ोटो में नॉइज़ आने के चांस भी उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ISO जितना कम होगा उतने ही आपकी फ़ोटो में नॉइज़ कम आएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने ISO को 1600 के नीचे रख कर ही शूट करें। 1600 के नीचे आपको नॉइज़ बहुत ही कम देखने को मिलेगा और आपकी फ़ोटो उतनी शानदार आएगी। अपन आते हैं कि फ्लैश को कैसे ऑन करें। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक बटन, इसको प्रेस करना है, इसको यहाँ पे बटन दिख रहा है और ये देखिए अपना फ्लैश बाहर आ गया है और आप देख रहे हैं अभी ये मेरा फ्लैश चालू हो चुका है। और अगर आप बिगिनर फोटोग्राफर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पी मोड पे करें और अपने ISO को आप अपनी लाइट के अकॉर्डिंग कर ले। दिन के समय शूट कर रहे हो आप 100 या 200 रख सकते हैं, रात के समय शूट कर रहे हो आप इसको 1600 तक ले जा सकते हैं और ISO को
यहाँ पे रखें और प्रोग्राम मोड पे शूट करें। इससे आप अपनी फ़ोटोज़ की सेटिंग्स को थोड़े कैमरे को समझ जाएंगे। तो और अब अपन बात करते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग पे। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग का ये सिंबल आपको दिख रहा है, ये मैंने क्लिक करा, ये वीडियो रिकॉर्डिंग अभी मेरी लेंस के ऊपर रह ये देखी, ये सामने मेरा कीबोर्ड है। देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग का ये सिंबल है, वीडियो रिकॉर्डिंग में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए कैमरे के बटन को आप प्रेस करना है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही कैमरे रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।